दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भी ट्रेड वॉर होता क्या है, इससे किसी कंट्री पे क्या असर पड़ सकता है और इतना क्यों तनाव दो देशों के बीच में पैदा हो जाता है। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब इसका मतलब होता है व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध बेसिकली दो देशों के बीच में एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें हथियार का यूज नहीं करते हैं, बेसिकली इसमें यूज होता है टैक्स का। और दोस्तों, इस तरह की युद्ध में जन की हानि नहीं होती, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतने लोग मर गए। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो इकोनॉमिक होती है उसकी लॉस होता है। इसमें जो मेन मुद्दा होता है वो इकोनॉमिक की लड़ाई होती है। इसमें होता क्या है कि एक देश जो किसी दूसरे देश से सामान मंगा रहा है, वो देश क्या करता है, उस सामान पर टैक्स की दर बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होता है कि जो भी सामान किसी देश ने आयात किया हुआ है या इंपोर्ट किया है, वो सामान महंगा हो जाता है। महंगा होने की वजह से क्या होता है, उस सामान की मांग कम हो जाती है। मांग कम होने से क्या होता है कि जिस देश से सामान मंगाया गया है उसके इकोनॉमी पर असर पड़ता है। पड़ता इसलिए है क्योंकि जो भी सामान उसने निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, वो सामान फिर मार्केट में बिकता नहीं है, तो सामान रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न होने से क्या होता है, जिस कंट्री ने सामान सेंड किया था उसको इससे लॉस होता है। तो बेसिकली जो इसमें ट्रेड वॉर का मतलब है कि सारी लड़ाई टैक्स की है, क्योंकि अगर कोई देश टैक्स बढ़ाएगा तो सामान महंगा होगा। जब सामान महंगा होगा तो उसकी मांग कम होगी। जब मांग कम होगी, सामान रिटर्न होगा, तो उसके इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कभी कभी इसका असर इतना बढ़ जाता है कि राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं उस पर भी असर पड़ने लगता है। ट्रेड वॉर से एक ही देश नहीं, जो भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है, उन दोनों देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है और इनकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। और इससे कभी कभी क्या होता है कि ये टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी जनरेट होने लगता है। जैसे साल 1930 में अमेरिका ने भी एक बार ऐसे ही किया था। उसने क्या किया था कि अपने कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। टैरिफ बढ़ाने की वजह से ये हुआ कि उस समय पूरी दुनिया में मंदी का दौर आ गया था। तो बेसिकली कहने का मतलब है, ट्रेड वॉर का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आर्मी की लड़ाई आपस में हो रही है। ट्रेड वॉर का मतलब बेसिकली जो लड़ाई होती है वो टैक्स की होती है, जो अमेरिका और चाइना में इस समय चल रहा है। क्योंकि अगर ट्रेड वॉर किसी भी देश के बीच में होता है तो दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो बेसिकली ट्रेड वॉर का करने का मतलब है टैक्स की लड़ाई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।